बसमिल रहीम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल जुनारा डिज़ाइंस आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाएंगे और वेलवेट के स्लीव्स पे हमने ये डिज़ाइन बनाया है जो बिल्कुल पल्शी की लुक दे रहा है अगर आप देखें तो और कटवर्क स्टाइल में है और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वीडियो को एंड तक फुल वॉच करें ताकि आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आप ही अपने लिए इसी तरह से बना सकें सो तो आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला मैं आपकी शुक्र गुजार और दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरवाफ़ियात से हों सो so, यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुक्रम लिया हुआ है और इस बुक्रम की लंबाई फाइव इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंचिस जितनी है सो so, यहाँ पे हमने मार्जिन लाइन्स लगाई हुई हैं साइड पे ऊपर नीचे भी ऊपर नीचे जो लाइन्स हमने लगाई हैं वो वन इंच के डिस्टेंस पर लगाई हुई हैं और दरमियान में हमने जो तीन लाइन्स लगाई हैं तकरीबन फोर इंच के डिस्टेंस पर लगाई हुई हैं अब यहाँ पे इन ब्लॉक्स में हमने एक लीफ की शेप बनानी है सो so उसके लिए मैंने समझाने के लिए आपको पेपर पे पहले बनाऊंगी जो पेपर लिया हुआ है इस पेपर की लंबाई 3.5 पॉइंट फाइव जितनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंचज जितनी है अब ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के तकरीबन 3 इंच के डिस्टेंस पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और चौड़ाई की साइड से इसका सेंटर ले लेंगे और यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेंगे अब इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे फिर डार्क कर लेंगे अब इसकी साइड पर भी हमने लाइन ड्रा करनी है यहाँ पर इस तरह से एक साइड पर और फिर दूसरी साइड पर इनको डार्क कर लेंगे और फिर इनके सेंटर से भी इस तरह से लाइंस निकाल लेंगे जिस तरह वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ बाकी शेप इसी तरह से बनाते जाएंगे अब यहाँ पे इसे हमने डार्क करके थोड़ा सा डबल कर लिया है अब साइड पे इस तरह से हमने डंडियाँ निकालनी है जैसे लीफ की होती हैं उसी तरह से इस तरह इनको भी डबल करते जाएंगे और बाकी की भी इसी तरह से डंडियाँ हम बनाते जाएंगे और पिन इनको डार्क कर लेंगे इस तरह से इन्हें हमने प्रोमिनेंट कर लिया अब इसके ऊपर की साइड पे इस तरह से एक ग्राउंड शेप बनाएंगे और इसके साथ इसी तरह से शेप्स बना लेंगे जिस तरह वीडियो मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ फिर इसके साथ छोटे से पत्ते दोनों साइड्स पर बनाने हैं और उसके बाद इन सब डंडियों के साथ हमने लीव बना लेने हैं पहले हम डॉटेड लाइन्स के जरिए बनाएंगे ताकि कोई गलती ना हो इस तरह से देखें डॉटेड लाइन से बनाते जाएंगे और फिर इनको हमने बाद में प्रोमिनेंट कर लेंगे ये देखें इस तरह से सारे पत्ते हम बना लेंगे इन डंडियों के साथ इस तरह अगर बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा ये देखें इस तरह से हम बनाते जाएंगे इस तरह अब इन सब पत्तों के किनारों पे हम इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना लेंगे जैसे नोकें इसकी निकाल लेंगे ऊपर की साइड से जिस तरह वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी तरह से हमने करना है इस तरह से ये लीफ का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया ये हमने बना लिया है अब यहाँ पे जो बुक्रम हमने लिया हुआ था उस बुक्रम पर हमने ये शेप ड्रा करनी है इन सब ब्लॉक्स पर ये सब ब्लॉक्स पर हम यही शेप ड्रा कर लेंगे यही लीव की शेप इस तरह से ये देखें लीव्स की शेप हमने सारे ब्लॉक्स में ड्रा कर ली हैं अब ये जो लीफ की शेप्स हमने बनाई हैं इनके साथ साथ इसी तरह की शेप्स ड्रॉ करते जाएंगे इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से पूरे में ड्रॉ कर लेंगे ये देखिए हमने इस तरह से ये शेप्स ड्रॉ कर ली हैं अब इनके दरमियान में हमने लाइंस लगानी है इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ ये देखें जो कॉर्नर्स हों या कोई भी जगह हो जो हमने इसको कनेक्ट करना है आपस में लाइंस के ज़रिए इस तरह से और सारे में इसी तरह से कर लेंगे ठीक है अब जैसे हमने नीचे ये लाइंस बनाई हैं और ये शेप बनाई है इसी तरह हम ऊपर भी कर लेंगे ऊपर की साइड पे भी इसी तरह पहले सेम शेप बना बनाएंगे जो शेप हमने बनाई है उसके साथ साथ और फिर इनके साथ भी इसी तरह से लाइंस लगा के इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में पूरे में इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया अभी हमारे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स के साथ ये पैटर्न जो हमने रेडी किया ये पैटर्न हमने इसके नीचे पेस्ट करना है ठीक है तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ना जो कॉर्नर्स बनाए हुए थे वो नीचे की साइड पर रखने है ये उल्टी साइड है स्लीव्स की और ये जो कॉर्नर्स वाला है सही नीचे की साइड पर रख के पेस्ट कर लेंगे सो तो इस तरह से इसे हमने पेस्ट कर लिया है अब इसे हमने स्टिच करना है सो तो यहाँ पे हमने एंकर थ्रेड लिया ग्रे कलर का जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट तो है और ये ग्रे कलर का एंकर थ्रेड सिंगल ही हमने इसको नीचे डालना है देखें सिंगल बॉबिन में हमने फिल किया ऊपर जो है हमने ब्लू कलर का धागा यूज़ किया हुआ है ठीक है सो अब यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे हमारे पास पैटर्न है सो पहले जो दरमियान में हमने लाइन लगाई हुई यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे ये लाइन हमने डबल स्टिच करनी है यानी एक साइड से शुरू करेंगे स्टिच करते हुए और फिर इसे टर्न करके दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से ये देखें ये डबल हमने स्टिच कर ली है इस तरह सारी लाइंस हमने स्टिच करनी है यानी डबल डबल एक साइड से शुरू करके और फिर दूसरी साइड पे इसको ले जाना है इसी तरह हम कर लेंगे इस तरह से ये डंडियां हमने स्टिच कर लिया हैं अब इनके आगे जो डंडियाँ बनी हुई हैं उनको भी हम स्टिच कर लेंगे उनको भी डबल डबल करके करना है आप चाहें तो एंकर थ्रेड को डबल करके भी यूज़ कर सकती हैं उससे ज़्यादा जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो आपकी प्रोमिनेंट लगेगी और ब्यूटीफुल लगेगी इस तरह से ये डंडियाँ हमने स्टिच की हैं बाकी की भी हम इसी तरह से कर लेंगे ये देखें यहाँ पे इसे प्रोमिनेंट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो और फिर इसी तरह इसके साथ साथ हमने स्टिच करना है सो इस तरह से ये डंडियाँ हमने स्टिच कर ली हैं अब इसकी जो पत्तियाँ हमने बनाई हुई हैं ना पत्तियों के साथ साथ हमने स्टिच करना है सो हम यहाँ से शुरू करेंगे ये देखें इस तरह से ये जो पत्तियों के शुरू में हमने शेप बनाई थी ये सारी शेप्स को हम दोबारा से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरह से और फिर इसके साथ साथ हम स्टिच कर लेंगे अब यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे और ये जो हमने इस तरह जिस तरह शेप बनाई हुई है ना ये इसके कॉर्नर्स जिस तरह निकाले हुए नोकें जो हैं इसी तरह से हमने स्टिच करना इस है इसे यही इस डिज़ाइन की ब्यूटी है सो तो आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारे चैनल का विजिट जरूर करें वहाँ पे आपको बहुत से अच्छे अच्छे डिज़ाइस मिलेंगे और डिफरेंट डिजाइन और आइडियाज़ मिलेंगे सो so, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर किया करें सो so, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है पत्ते की शेप जो थी उसके साथ साथ हमने स्टिच कर लिया है अब यहाँ पे जो बाहर की साइड पे हमने लाइन लगाई हुई थी ना ये भी मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ और फिर इसके बाद लाइंस भी स्टिच करेंगे सो ये देखें बाहर की शायद साइड पे जो हमने लगाई हुई है लाइन इसके साथ साथ बस जो शेप है उसके साथ साथ ही स्टिच करना है यहाँ पे ये जो लाइंस लगाई थी, थी वो भी स्टिच कर लेंगे उनको डबल डबल करके स्टिच कर लें इस तरह से एक साइड से शुरू करें और फिर दोबारा इसको मोड़ के डबल कर लें और जितनी भी लाइन्स हैं इसी तरह से स्टिच करनी है अब दूसरी जो ऊपर की साइड पे हमने लाइन लगाई थी वो भी हम स्टिच कर लेंगे और उसके साथ भी डंडियाँ स्टिच कर लेंगे फिर इसी तरह से इसकी डंडियाँ भी स्टिच करते जाएंगे इस तरह से ये एक लीफ हमने स्टिच कर लिया है अगर दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी सो जैसे हमने ये लीफ स्टिच किया बाकी के भी कर लेंगे इस तरह से ये सारे लीव्स हमने स्टिच कर लिए हैं उनके साथ जो लाइंस लगाई थी वो भी और दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक है अब इस पर हमने कट वर्क बनाना है लेकिन उससे पहले हमने सेंटर में भी लीव्स बनाने हैं सो उसके लिए हमने पेपर का एक पीस लिया हुआ और यहाँ पर तरीबन टू पॉइंट थ्री इंच जितना हमने लीव बनाना है लंबाई इसकी इतनी होगी एक लाइन लगा देंगे इसी तरह से जैसे पहले किया था और सेम उसी तरह साइड पे भी डंडियाँ और दरमियान से भी और फिर इनके साथ साथ हमने उसी तरह शेप बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी और फिर यहाँ पर हम लीव्स की शेप बना लेंगे और इस तरह से ये लीफ हमारा रेडी हो जाएगा सेंटर से जो लाइंस हमने लगाई हैं इनको हम रब कर लेंगे क्योंकि इनकी हमें फिर ज़रूरत नहीं है सो अब यहाँ पे स्लीव्स हैं और इनके दरियान में हमने ये शेप्स लगानी है ठीक है सो यहाँ पे ये शेप है हमारे पास लीफ की हम एक तरफ रखेंगे पहले इस तरह से इसके साथ दूसरी रखेंगे फिर एक दरमियान में और इसी तरह दो और भी फिर इसी तरह सेट करके रख लेंगे ये कि हमने फुल कट की हुई है ये भी हम इसके साथ इस तरह से रख के और पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमने बुकरम पर बनाई हुई है इस तरह से इनको हमने पेस्ट कर लिया है अब इनको भी हमने स्टिच करना है सो so, इसके लिए भी हम ग्रे एंकर थ्रेड ले लेंगे और उसके साथ साथ स्टिच करेंगे सो so, यहाँ पे हमने बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ साथ स्टिच करते जाना है जैसी शेप हमने बनाई है सेम उसी तरह से हम स्टिच करते जाएंगे वेलवेट पे इस तरह के कटवर्क के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं आप इनके नीचे और भी लगा सकते हैं इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर दूसरी साइड पर इस तरह से इसकी लुक होगी छोटा सा ये फ्लावर बना है इसके अंदर भी फिर हम बनाएंगे बाद में सो इस तरह के बाकी भी हम कंप्लीट कर लेंगे अब ये सारे फ्लावर स्टिच कर लिए हैं हमने और इनकी दूसरी साइड से इस तरह से लुक है अब सबसे पहले बाहर वाले कॉर्नर इसके कट कर लेंगे तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग आयरन लिया हुआ है और एक साइड से इसको कट करना शुरू करेंगे इसे हमने गर्म किया हुआ है और इस तरह से कट करते जाएंगे फैब्रिक को कट करना है हमने इस तरह से हम निशान बनाते जाएंगे और फिर इसे कट करते जाएंगे ये यह देखिए यहाँ से दोबारा से हम जहाँ से ये कट नहीं हुआ वहाँ से हम काव्या की हेल्प से इसे कट करते जाएंगे और बाकी के भी इसी तरह से फिर कट कर लेंगे इसी तरह से हम सारा कट कर लेंगे सो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है अब इसके अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना ये भी हम कट कर लेंगे इसी तरह से अब यहां से इसके अंदर के ब्लॉक्स भी हम कट कर लेंगे इस तरह से हम इसे कट करके अलग करते जाएंगे और फैब्रिक जो है वो निकालते जाएंगे इस तरह से हमने कट करके देखें सारे अलग कर लिए और इसमें से ये फैब्रिक निकाल दिया हमने और बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन अभी हमारा बना है अब आगे के जो ऊपर की साइड पर हमने ब्लॉक्स बनाए हुए थे ये भी हम कट कर लेंगे इसी तरह से इसके ब्लॉक्स भी हम बनाते जाएंगे और इस तरह से फैब्रिक को बीच में से निकालते जाएंगे इस तरह से जैसे हमने ये कट किया बाकी के भी हम इसी तरह से ब्लॉक्स कट कर लेंगे अंदर से सो so, इस तरह से हमने सारे कट कर लिए हैं और देखें इस तरह से इसकी लुक है कुछ अब इसके अंदर जो ये फैब्रिक लगा हुआ है इसको भी हम कट कर लेंगे अगर आप चाहें तो ना भी कट कर करें उस तरह भी अच्छा लगेगा लेकिन हमने यहाँ पे कट कर लिया है अब ये बाकी के फैब्रिक को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे सो so, ये भी हमने कट कर लिया है सो so, इस तरह अब ये लीफ की शेप जो है ये अलग से वाज होकर नज़र आ रही है अब यहाँ पे ये जो लीव्स हमने बनाए हुए थे इनके अंदर हमने यही शेप दोबारा से ड्रा कर लेनी है ये देखें जो जो शेप बनी हुई है उसके साथ साथ इसी तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे और फिर इनके साथ भी लाइंस लगा देंगे ताकि ये कनेक्ट हो जाएं इस तरह से देखें ये लाइन्स भी हमने लगा दी हैं अब यहाँ पर हमने स्टिचिंग करनी है बाहर की साइड से तो हम कर चुके हैं अब अंदर की साइड से स्टिचिंग कर लेंगे अंदर वाली शेप को इस तरह से हमने स्टिच कर ली और ये लाइंस भी अब हम स्टिच कर लेंगे और इन लाइन को हम डबल डबल करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से सारी लाइंस जो हैं वो स्टिच कर लेंगे इस तरह से देखें सारी लाइंस हमने स्टिच कर ली हैं इस तरह से बाकी के लीव्स भी जो हैं वो हम अंदर से स्टिच कर लेंगे दूसरी साइड से इस लीव की कुछ इस तरह से लुक है बाकी के भी सेट कर लेंगे और ये सारे हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं और करीब से देखें तो इस तरह से इनके लुक है अब यहाँ से इसको अंदर से इन ब्लॉक्स को भी हम कट कर लेंगे इस तरह से कट करके फैब्रिक निकाल लेंगे और बाकी के लीव को भी सेट कर लेंगे और सारे लीव्स इसी तरह से सेट कर लेंगे इस तरह से सारे लीव्स हमने सेट कर लिए हैं और ये हमारा बहुत ही सा डिज़ाइन रेडी हुआ है और बिल्कुल अच्छी स्टाइल की लुक दे रहा है और करीब से देखें तो इस तरह से इसकी लुक है और आप लोग जरूर ट्राई करें और अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग ट्राई करें तो मेरे साथ भी शेयर करें इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आई या इसमें कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करें सो ये थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें ओके अल्लाह हाफिज़